कि इस देश का होम मिनिस्टर अगर सही में मर्द है तो वो आरएसएस को बैन करके दिखाए, जैसे वो पीएफ को पीएफआई को बैन करता है। अगर पीएफआई के पास कोई बम है, कोई बारूद है, कोई गोली है, कोई चाकू है, तो उसको आप बैन कर रहे हो। तो इतने बड़े तादाद में ये सारे हथियार के पूजा होम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, आरएसएस का मोहन भागवत करता है, इसको बैन करने का कदम इस देश का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता, ये हम लोगों का सवाल इस देश के होम मिनिस्टर। हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो इस देश में कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर इस देश में किसी को खलिस्तान की मांग करते हुए आप देखते हो तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं, क्यों? खलिस्तानी है, खलिस्तानी देशद्रोही है। अभी 2047 में उन्होंने दावा किया कि पीएफआई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई इंसान इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो वो देशद्रोही है। अगर कोई इंसान इस देश को खलिस्तान बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। तो उसी तरह से इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर कोई इंसान जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है वो देशद्रोही है। पॉलिटिकल सेटलमेंट है। खुद नरेंद्र मोदी का स्पीच है, इंटरव्यू है, अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वो खुद कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जो है वो है ब्राह्मण धर्म, जो है वो है सनातन धर्म। ये हिंदू इनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है। वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पॉलिटिकल वोट्स के लिए हिंदू बनाते हैं। देखिए, रामदास अठावले जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए उनको गुलामी के लिए रखा गया है वो उनकी गुलामी सही कर रहे हैं। वो उनका पक्ष, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो हिंदुओं के तलवे चाटने का काम, आरएसएस का तलवे चाटने का काम, प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसलिए वो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। उनकी हालत आज कुत्ते जैसी हो गई है। वो कुत्ते जैसे वो पीएम के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। जय भीम मिशन और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक हो गए तो ये इतना बड़ा परिवर्तन देखने मिला। सोचो, जिस दिन 10 लाख संगठन और उनके नेतागण, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष अगर एक मंच पे आए तो हमें 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ का आंकड़ा हम इस देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा का हासिल कर पाएंगे। देखिए, रामदास अठावले जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए उनको गुलामी के लिए रखा गया है वो उनकी गुलामी सही कर रहे हैं। वो उनका पक्ष, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो हिंदुओं के तलवे चाटने का काम, आरएसएस का तलवे चाटने का काम, प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसलिए वो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। उनकी हालत आज कुत्ते जैसी हो गई है। वो कुत्ते जैसे वो पीएम के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। सर, क्या कारण लगता है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं? एक तो ज्ञान का अभाव जो लोगों में पहले नहीं था, अब लोगों तक ये ज्ञान पहुँच गया है। इसके अलावा भी कोई कारण आपको लगता है जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? इस देश में हिंदुओं को अगर मूछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी बच्चे, किसी व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, ऐसे लोग हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है। खुद नरेंद्र मोदी का स्पीच है, इंटरव्यू है, अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वो खुद कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जो है वो है ब्राह्मण धर्म, जो है वो है सनातन धर्म। ये हिंदू इनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है। वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पॉलिटिकल वोट्स के लिए हिंदू बनाते हैं। अगर हिंदू बना रहे हो तो हिंदू वो राइट्स क्यों नहीं देना चाहते? तो इसलिए इस देश में हिंदू कोई नहीं है। और ये बात एससी एसटी ओबीसी के लोग समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते तो मुझे स्कूल में बैठने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मुझे पानी के घड़े को हाथ लगाने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मूछ रखने का अधिकार होता। अब लोग समझ रहे हैं, या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं है। और इसलिए आज ये लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने पुराने धर्म में वापस आ रहे हैं। सर, अपने अधिकारों की बात की तो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस देश में एक संगठन ऐसा भी है जो आज के दिन शस्त्रों की पूजा करता है और ये अधिकार उन्हें मिला हुआ है, वो शस्त्रों की पूजा करते हैं खुले आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, मैं आपको एक साधारण
तर्क देना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के घर में चाकू भी मिल जाए, तलवार भी मिल जाए, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, उसे टेररिस्ट घोषित करती है। अब सोचिए, जिस संगठन के पास इतने सारे तलवारें हैं, बम है, पिस्तूल है, इतने सारे चॉपर्स है, और ये सारे वेपन्स, इन शस्त्रों की आज वो विधिवत पूजा करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज के दिन सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बौद्ध धर्म की शरण ले लिए, और ये आज ही के दिन काउंटर करने को शस्त्रों की पूजा करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है शस्त्रों से, शस्त्रों को इसलिए पूजते हैं ताकि वो सम्राट अशोक की धम्म क्रांति, बाबा साहब की धम्म क्रांति इस देश में खड़ी ना होने दे, इसलिए ये काउंटर करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का होम मिनिस्टर अगर सही में मर्द है तो वो आरएसएस को बैन करके दिखाए, जैसे वो पीएफ को, पीएफआई को बैन करता है। अगर पीएफआई के पास कोई बम है, कोई बारूद है, कोई गोली है, कोई चाकू है, तो उसको आप बैन कर रहे हो, तो इतने बड़े तादाद में ये सारे हथियार के पूजा होम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, आरएसएस का मोहन भागवत करता है, इसको बैन करने का कदम इस देश का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता? ये हम लोगों का सवाल इस देश के होम मिनिस्टर को। एक आखिरी सवाल कि एक तरफ आप चीवर धारण करके बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बौद्धों की समस्या को विश्व स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है लोगों को कि जल्दी ही भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है और भगवा लहरा सकता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो इस देश में कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, अगर इस देश में किसी को खलिस्तान की मांग करते हुए आप देखते हो तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं, क्यों? खलिस्तानी है, खलिस्तानी देशद्रोही है। अभी 2047 में उन्होंने दावा किया कि पीएफआई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई इंसान इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो वो देशद्रोही है, अगर कोई इंसान इस देश को खलिस्तान बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है, तो उसी तरह से इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर कोई इंसान जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है वो देशद्रोही है।